अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी और मेरी दुआ है हर वक्त कि आप सब खैरियत से हो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मूली की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। मूली की हम भाजी बनाएंगे, इसके लिए कोई मसाला नहीं होता है। एक्चुअली ये डाइट फ्री है, डाइट के लिए बहुत अच्छा होता है और अपने हेल्थ के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। इसके लिए आँखों के लिए बहुत अच्छा है और अपने हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, और फिर फाइबर में इसमें बहुत रहता है। तो आप इस वजह से आप इसको बच्चों को मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको खिलाएं। बच्चे तो ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी स्मेल सी आ जाती है और ज़्यादातर मोस्टली कोई नहीं खाता इसको। पर आप इसको अच्छे से बारीक से चूरस्ते से बना के कट करके रखेंगे और नमक डाल के इसको आप थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करके पानी में धोएंगे तो इसकी जो कड़वाहट थोड़ी रहती है वो भी चली जाएगी और इसका स्मेल जो रहता है वो भी चली जाएगी। मैंने इसको काट के, देखो बारीक से काट के मैंने पत्तों को और रेडिश को, दोनों मूली को, दोनों को काट के मैंने बारीक से धो के नमक डाल के धो के रख दिया है। अब इसके लिए इंग्रेडिएंट्स कोई मसाला नहीं है, बस जस्ट ऑनियन लिया है मैंने बड़ा वाला एक, और ग्रीन चिल्ली अपने हिसाब से आप डाल दीजिए, मैंने चार ली है, मुझे थोड़ा तीखा पसंद है। इसके लिए चाहिए करी लीव्स और इसको चाहिए गार्लिक, मैंने क्रश करके रखा हुआ है, चार से पांच बस, और ये चाहिए ग्रेटेड कोकोनट, दैट्स ऑल। अब मैं इसमें डाल दूंगी तकरीबन डेढ़ चम्मच तेल। आप चाहे तो तेल ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसको तेल डालने से इसका टेस्ट ज़्यादा आ जाएगा, इसकी कड़वाहट चली जाएगी। थोड़ा मैं डाइट फ्री थोड़ा बना रही हूँ, डाइट के लिए बना रही हूँ, तो कम से कम तेल, कम से कम इंग्रेडिएंट्स। अब हम इसमें डालेंगे ये गार्लिक जो मैंने क्रश करके रखा हुआ है, इसको हम डालेंगे। देखिए हम इसको थोड़ा सा इसको सॉटे करेंगे जो इसकी जो स्मेल है वो निकल के आ जाए। इसको ज़्यादा बारीक चूरा वगैरह नहीं करना है हमको, जस्ट क्रश करके इसको इसमें डालना है और इसकी जो धीमी सी खुशबू आएगी तब हम इसमें ऐड करेंगे करी लीव्स। देखिए करी लीव्स को मैंने डाल दिया है। आप गैस को थोड़ा धीरे कर दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज, मैंने छोटे से काट लिया है, इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। वन बाय वन आप डाल दीजिए, पूरी एक ही साथ मत डालिए क्योंकि उसकी जो टेस्ट रहता है जो गार्लिक का वो लगभग हर चीज़ में मिलना चाहिए। तो अब ये डालने से इसका फ्लेवर सब सब्जियों में जो भी हम लोगों ने इंग्रेडिएंट डाला है उसमें वो निकल के आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑनियन, मैंने बड़ा वाला, बहुत ही बड़ा वाला साइज का एक ऑनियन चॉप करके लिया है मैंने। देखिए हम इसको ज़्यादा कुक भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा वो क्या बोलते क्रंचीनेस थोड़ा चाहिए, और मूली को भी हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ज़्यादा पकाएंगे तो उसकी जो प्रोटीन रहेगी, जो उसका फाइबर रहेगा वो सब चला जाएगा। तो हमें थोड़ा सा कच्चा कच्चा, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ज़्यादा मॉइस्ट नहीं करना है हमको, उसको थोड़ा अच्छे से पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब देखिए मैं इसको अभी सॉटे कर रही हूँ, इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इसकी क्रंचीनेस रहना चाहिए। ये ज़्यादा पकाएंगे तो एकदम मॉइस्ट जैसा होके नरम हो जाएगा, इसको हमें नरम नहीं करना है। अब हम इसी स्टेज में जब हम खाएंगे सब्ज़ी, वो जो प्याज और हरी मिर्च का जो क्रंचीनेस होता है उसको हमें फील करना चाहिए। तो इन दैट अभी मैं आप इसमें ऐड करूँगी कि कोकोनट, वन कप का कोकोनट है ये, दैट्स इट, ग्रेटेड कोकोनट है, दैट्स ऑल। और इसमें हम अब नमक ऐड करेंगे, मैं इसमें आधा चम्मच जितना डाली हूँ, टी स्पून, आप अपने हिसाब से, क्योंकि हम लोग जो कैरेट सॉरी रेडिश धोएंगे, मूली धोने वाले हैं, उसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे अच्छे से मिक्स करने के लिए और धोने के लिए, तो उसका थोड़ा नमक का जो रहता है वो रहता है वहीं पे, तो आप देख के इस हिसाब से नमक डाल दीजिए।
अभी इसमें हम 1 से 2 मिनट हम इसको कोकोनट डाल के, नारियल डाल के थोड़ा सा भून लेंगे, जस्ट थोड़ा सा कि थोड़ा भुन जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये मूली जो मैंने काट के धो के रखा हुआ है। मैं फिर से बोल रही हूँ, इसको थोड़ा नमक डाल के आप धोएंगे तो ये इसका कड़वाहट और इसका जो स्मेल रहती है वो थोड़ी निकल जाती है। अब इसको बस हम अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी अगर आप चाहे तो, वरना इसमें छोटे लो फ्लेम में आप इसको पका सकते हैं। मिक्स करके इसको हम ढक के अभी 10 मिनट तक पकाएंगे, इसके बाद हमारा जो मूली की सब्जी है रेडी हो जाएगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देखिए सॉल्ट अपने हिसाब से देखिए, आप चाहे तो मैंने कहा पानी डाल सकते हैं, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, जस्ट फॉर थोड़ा, दैट्स ऑल। ये इसमें अपने ही एक मॉइस्ट में पक जाएगा। और ये और एक बात, जो भी मेरा ये पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो वहाँ पे बेल आइकन का बटन है उसको जल्दी से जल्दी आप क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मैं अपनी जो भी नई वीडियोस अपलोड करूँ आपको इमीडिएटली वो पहले मिल जाए, और मैं ऐसे ही इजी और कम इंग्रेडिएंट्स में आपको रेसिपीज बताते रहूँगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर पे, और मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। देखिए अभी मेरी सब्जी बन चुकी है, इसको हम मैंने 10 मिनट तक ही पकाया है। अब इसको हम सर्व करेंगे। देखिए आपको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, ये बिल्कुल इस तरह से, इसमें पानी ही नहीं है बिल्कुल, पूरी तरह से मैंने थोड़ा सा पानी डाला हुआ था, पूरा ऑब्जर्व हो गया है। देखिए मेरी सब्जी बनके तैयार है, मूली की सब्जी बहुत ही दिखने में यमी और टैंगी सी लग रही है, बहुत ही टेस्टी होता है। इसको मैंने सर्व किया है चपाती के साथ में, आप चाहे तो राइस के साथ में खा सकते हो, पर काफ़ी वाकई में बहुत ही टेस्टी, ये सिंपल है बहुत ही। आप कहेंगे अरे ये क्यों सिंपल सा बना के दिखा रही है, कुछ लेडीज या कुछ घरों में ये सिंपल सी सब्जी बनाने के लिए बहुत टेंशन बनाते हैं, पर ये इजीली और सिंपल मैंने बनाया, आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसको, और मुझे अपने लाइक्स और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप कैसे बनाएं, आपको कैसा लगा ये टेस्ट। प्लीज़ थैंक यू, जज़ाकअल्लाह।